हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम काल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को भी सतर्क रहने को कह दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम काल कैसा रहेगा। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम काल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम जहां पर आप रहते हैं कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहेगा। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून आज मुंबई, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और कर्नाटका के कुछ हिस्सों सहित तो कोंकण और गोवा के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूरे कोंकण क्षेत्र में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और पूरे कर्नाटका सहित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक जो है मानसून के आगे बढ़ने के लिए अब परिस्थितियां अनुकूल है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्व उत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा सहित दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। जबकि पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ ही छींटे पड़ने की भी संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और इसी के साथ बात करेंगे देश का मौसमी सिस्टम क्या कहता है। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और इससे सटे इलाकों पर बना हुआ है, जबकि एक ट्रफ रेखा है जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए असम तक फैल चुकी है। वहीं एक अन्य ट्रफ रेखा है जो पूर्व उत्तर मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उसके तट तक जो है फैल चुकी है। वहीं दक्षिणी कोंकण और गोवा के पास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तूफान आया है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, केरल के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा सहित तटीय कर्नाटक में मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं शेष पूर्व उत्तर भारत, गंगे, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं ओडिशा, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में, छत्तीसगढ़, दक्षिणी गुजरात और झारखंड सहित उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के 1 या 2 हिस्सों में जो है लू की स्थिति भी देखी गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्ण अनुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा और आप किस क्षेत्र से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर से कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।